यहाँ के ग्राहकों के ऊपर कुछ ऐसी छाप छोड़ दी अपने चिकन की कि भाई साहब इनके चिकन का कोई जवाब नहीं है। ये इतने इस वक्त वायरल हो चुके हैं अखबारों में, लोग यूट्यूबर जो एक से यहाँ पे आते जा रहे हैं, तो आखिरकार यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या देते हैं और किस किस तरीके से क्या क्या बनाते हैं, तो उसी के अंदर जो है एक यहाँ पे हम शूट करने वाले हैं चिकन की रेसिपी और ये दिखाने वाले हैं हम आप लोगों को कि आखिरकार ये चिकन यहाँ पे बनाते किस तरीके से हैं, जो लोग यहाँ पे इनके इतने दीवाने हो चुके हैं। चलिए आपको जो है पूरी रेसिपी दिखाते हैं और भैया से कुछ बातें भी जानेंगे कि यहाँ पे जो है किस किस तरीके से बनाते हैं और इनकी कहानी की शुरुआत क्या हुई। और ज़्यादा दिन नहीं हुए भाई, मात्र जो है 4-5 महीने हुए हैं और 4-5 महीने के अंदर जो है ना भाई साहब इन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है कस्टमरों के ऊपर जो कि इनके स्वाद के लोग दीवाने हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर आपको पूरी मेकिंग दिखाते हैं। मिल चुका है अब ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट और भैया उसके बाद क्या डालेंगे? अब इसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं फोरन। फोरन जी, ठीक है। फोरन में क्या क्या लिया आपने? तेजपत्ता, हाँ, और इस सूखी लाल मिर्च। ठीक है, सिर्फ दो आइटम डाले अभी आपने? अभी दो आइटम डाले। हल्का तेल को गर्म करूंगा, उसको भूनूंगा अच्छे से। भूनेंगे अच्छे से, हाँ। उसके बाद इसमें प्याज डलेगी अभी। ठीक है, अभी आ गई प्याज। कितनी प्याज होगी भैया? और आएगी, और आएगी, हाँ अभी और आएगी। और ये कितनी होगी टोटल प्याज? टोटल प्याज अभी 15 kg है। ये आ गया जी तीसरा गमला। लो जी, ये भर गई पूरी कढ़ाई प्याज से। और भैया अगर ये 15 kg प्याज है तो इसमें जो है क्वांटिटी कितनी चिकन की अपने पास? इसका डबल 30 kg। 30 kg इस कढ़ाई में? 30 kg चिकन आ जाएगा? 25 से 30 kg के बीच में, आज तो 25 है, 30 बन जाती है, इसमें डबल फिर होगा। ये लो जी, ये टोटल प्याज हो गए 15 kg। हाँ, ये लो भैया से जो है चलाया भी नहीं जा रहा है भैया। और ये प्याज डालने के बाद आप क्या करेंगे? इसको पहले आप भूनेंगे अच्छे तरीके से, अच्छी तरह भूनेंगे। नमक डलेगी, नमक से थोड़ा सा जल्दी भुना जाता है। और ये आ गया जी नमक। और गाइस भैया को देख सकते हैं कि प्याज की क्वांटिटी इतनी हो गई है कि ये भैया से जो चलाया भी नहीं जा रहा है। भैया एक बार बताइए, आप बता रहे हैं कि 25-30 kg चिकन अभी इसमें डालेंगे तो जगह कहाँ है डालने के लिए? एक और कढ़ाई मेरे पास है। अच्छा, उसका आधा प्याज इसमें जब भुना जाएगा उसको काट कर उसमें कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, और दोनों अच्छा। में चलाएगा ये भैया। और कितना टाइम लगेगा? और ब्राउन होगा इसे, कम से कम 15 से 20 मिनट और लगेंगे ब्राउन होने में। हाँ, तो इसका स्वाद थोड़ा सा उभर कर आएगा। ठीक, तो सोनू भैया सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम तो आपका अखबार देख के आए थे, पहले कोई बहुत अच्छी सी जॉब करते थे, उसको छोड़ने के बाद आपने इस स्टॉल को खोलने का सोचा, क्या कारण क्या रहा और क्या ऐसी सोच थी इसको खोलने के पीछे? जी जी, पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। हाँ, पहले नौकरी तो करता था मैं, हाँ, बीच में लॉकडाउन लग गई, ठीक है, फिर नौकरी छूट गई, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक बैठा रहा डिप्रेशन में। अच्छा, यानी कि नौकरी छूट गई थी आपकी? नौकरी छोड़ दी थी मैंने, छूटने वाली थी, छोड़ दी थी। अच्छा, छोड़ी थी मानो आप। उसके बाद थोड़ा बहुत 2-3 महीने लग गए, क्या करा जाए क्या करा जाए, कुछ नया करा जाए, कुछ हटके करा जाए। ठीक है, पहले तो सबसे पहले मैंने अपना शर्म बेचा कि छोटा मोटा स्टार्ट करते हैं उसमें शर्म बहुत लोगों को आती है। मैं अपने युवा वर्गों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना शर्म बेचना चाहिए। आपने अगर शर्म बेच दिया तो आप दुनिया का राजा बन सकते हो भिखारी से भी। तो पहले बहुत समय लगा मुझे, मतलब शर्मिंदगी जो है शर्मिंदगी छोड़नी पड़ेगी, हाँ, तो ही कुछ कर पाओगे तो भाई साहब जीवन में जी। उसके बाद सोचा चलो थोड़ा बहुत शुरू करते हैं, पिताजी का थोड़ा सा सपोर्ट मिला। पिताजी हमारे जानते थे उसे बनाना मटन चिकन को। अच्छा, उसे थोड़ा सा अलग तरीका से सिवान में लाना था, सिवान को लोगों को जायका इस तरीके की जायका नहीं मिल पाती थी। अच्छा, तो और हाँ, हमने इस चीज़ को देखा कि जो आपका स्टॉल है पूरे सिवान को हमने छान मारा कि आपके जैसा स्टॉल जो है पूरे सिवान में कहीं भी नहीं है। और ये देन जो सिर्फ आपके पिताजी की है या फिर आप भी कुछ जानते थे इस बावर्ची लाइन में? पिताजी जानते हैं, और होता है ना पिताजी का हाथ बेटा ले लेता है। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख भी गया हूँ, लेकिन सपोर्ट तो पहले पिताजी का ही है, तो सारा श्रेय पिताजी पे जाता है, सारा श्रेय पिताजी को ही है। फिर उसके बाद मैंने ये छोटा मोटा से शुरू करा, इतना बड़ा नहीं बनता था। अच्छा, पहले हमारा 4 से 5 kg चिकन बनता था। अच्छा, और स्टार्टिंग करा, ज़्यादा समय नहीं लगे, यहाँ का लोग, यहाँ का जनता लोगों का प्यार मिला, स्वाद दिया मैंने, जायका अच्छा लिया उन्होंने। उसके बाद 3 से 10 पे आया, 10 kg पे, 10 kg से 15 kg पे आया, 15 kg से अब 30 kg पे आ गया हूँ। 30 kg केवल ग्रेवी का बनता है, सीख कबाब जो है ये हमारा, ये सीख कबाब हमारा 55 kg 50 kg हो जाता है। मंगलवार को कम रहता है, 40 kg 35 kg रहता है। अच्छा, और बाकी दिन मंगलवार गुरुवार थोड़ा सा यहाँ पे कम चलता है, और बाकी के 5 दिन फर्स्ट क्लास चलता है। और पहले मैं नौकरी करता था किसी के अंदर, अब हमारे अंदर 4-5 लोग जी रहे, खा रहे हैं, बाल बच्चे। अच्छा, जी पहले आप खुद नौकरी करते थे और अब जो है खुद आपके पास नौकरी करते हैं, जबकि उनका भी रोजगार आपके उनका भी रोजगार चलता है, 5 लोग हमारे वजह से जी रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है, और क्या चाहिए। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये आगे भैया कश्मीरी लाल मिर्च, ये मतलब कि 20 मिनट प्याज पकने के बाद आपने कश्मीरी डाली है।
और ये आगे बीच में थोड़ी सी और प्याज, थोड़ी सी और प्याज, थोड़ी कम बहुत हो रही है इसमें डालने की। और इसको भुना जाएगा, तकरीबन आधा से ज्यादा तो ये भून चुके हैं। ये आ गया अदरक, अदरक। अच्छा, ये अदरक, ये अदरक घर पे भुना हुआ है, आधी खरा लेकर आता हूँ और घर पे भून कर, घर का भुना हुआ हर चीज है, कोई चीज। ये हुआ लहसुन, ये लहसुन हो गया। अच्छा, इसको आप बाद में ऐड करते हैं, अपना अपना रेसिपी होता है भैया, अपना अपना बनाने का तरीका होता है। सही बात है, पहले डालता है कोई बाद में डालता है। लो जी, ये आ गया अदरक लहसुन का पेस्ट, बढ़िया। अब डालने जा रहे हैं मसाले। ये आ गया हमारा, ये घर पे पिसाकर खुद से हाथों से बना हुआ मिर्च है, खुद अपना पिसवाते हैं। और ये हल्दी भी खुद से बना हुआ, यहाँ डलेगा हल्दी। अच्छा, ये भी अपने ही पिसवाते हैं? जी हाँ, ये सारा मसाला मेरा घर का खुद होम मेकिंग है, घर से बनाया हुआ मसाला है। अच्छा, कोई भी मतलब रेडीमेड, कोई भी रेडीमेड है जी, बाजार पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा है भाई साहब। अच्छा, बाजार पे भरोसा नहीं है। ये आ गया गोल मिर्च का ये पाउडर है। अच्छा, गोल मिर्च का पाउडर, हाँ जी। अभी 10 मिनट और भुनेगा इसे, और स्वादिष्ट और इसे और भुना जाएगा। ये अब हमारा पूरा का पूरा 25 केजी चिकन है। अच्छा, ये पूरा 25 केजी टब के अंदर जो ग्रेवी में जाने वाला है। अच्छा, और ये अभी साफ सफाई हो रही है अच्छे से इसका चिकन का। और गाइस देख सकते हैं जैसे कि भैया जो है क्या कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जो है ये पंखों को निकाल रहे हैं चिकन के। ये अब आधा काट कर ये चिकन का मसाला, अच्छा, वो दूसरे भगोने में डालूंगा क्योंकि प्याज प्याज ज्यादा है। हाँ। और इसमें चिकन डाला जाए तो बाहर से फेंकने लगता है। अच्छा, इसे अच्छा इसमें दो कन्वर्ट कर और दोनों में बनाया जाए। और अब डाला जा रहा है इसमें चिकन, और चिकन को बहुत अच्छी तरीके से भैया ने वॉश कर लिया है और अब इसको धीरे धीरे इसमें ऐड करते जा रहे हैं। और ये लो भाई, ये आ गया फुल चिकन, इसके अंदर डल चुका है। इसके अंदर ज़्यादा 12-13 केजी पड़ा होगा। हाँ, हाफ है, 12-13 केजी है और 12-13 केजी उसमें आएगा, फिर 25 टोटल हो जाएगा। अब इसको चिकन को कितनी देर तक पकाएंगे? चिकन अभी भैया जी अभी और 20-25 मिनट और लगेगा, और भूनूंगा इसे, और भूनूंगा जी हाँ, और भूनूंगा। उसके बाद इसका कलर ही अपने आप बता देता है कि ये माल रेडी हो चुका है। ये लो भाई, जो दूसरी कढ़ाई में प्याज अलग करी थी, अब उसके अंदर जो है चिकन को एक एक करके अच्छी तरीके से डाला जा रहा है। अब 12-13 के जी चिकन इसके अंदर, 12-13 के जी इसमें अंदर है। इसको फिर उसके बाद चूल्हे पर चढ़ाया जाएगा, ऊपर थोड़ा सा मटन बन रहा था इसके कारण आज नी मसाला में लगा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गई दूसरी कढ़ाई दूसरी गैस पर, और अब इसको भी जो है अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा। अब हो गई यहाँ पे दो कढ़ाइयाँ, पहली कढ़ाई जो है पहले इसमें चिकन ऑलरेडी डल चुका है और ये दूसरी कढ़ाई जो है यहाँ पे रख दी गई है। फिर अपने पास सारे के सारे चिकन के ही आइटम होते हैं और या फिर और भी कुछ होता नहीं, है नहीं, चिकन मटन। अच्छा, फिश, चिकन चाप मिलता है हमारे पास, तवा पे जो बनता है चिकन चाप, चिकन ग्रेवी मिलता है जो चिकन ग्रेवी अभी तैयार हो रही है, और ये अपना मटन करी मिलता है, मटन चाप मिलता है। मटन का एक खासियत है हमारी दुकान पे, हर दो दो घंटे पे दो दो केजी, हर दो घंटे पे दो केजी, ऐसा नहीं कि हाँ जी 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 कंटिन्यू चलते रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बड़ा सा हंडी मटन बना के एक ही बार और उसको ठंडा करके गर्म करके भेज दिया। अच्छा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, हर दो घंटे पे दो दो केजी मटन बनता है, बिकता है, बनता है, बिकता है, बिकता है, सब ग्राहक के सामने जो भी चीज़ फ्रेश ताज़ा और स्वादिष्ट यहाँ पे बनता है। और लेग फ्राई अपना रहता है, शाम के वक्त में 3 बजे से आएंगे आप यहाँ पे हमारे पास, फिर लेग फ्राई हो जाएगी, फिश फ्राई होगा एकदम ताज़ा जिंदा मछली का, और ये अपना चिकन फ्राई हो जाएगा। फिर एक नया आइटम मैंने सिवान में लाया है, चिकन कबाब। अच्छा, वो चिकन को भुना करके और उसमें मसाला वगैरह डालकर उसको गोल गोल करके वो भी नया आइटम है। हाँ, नया आइटम, वो पूरे सिवान में नहीं मिलेगा, सिवान में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चिकन का आइटम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो भी हमें आज दिखाइएगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको सर। और सुनो भी, अपनी शॉप को ये आपने को खोले में कितना टाइम कितना हो गया? मैं भैया जी 15 नवंबर 2022 से स्टार्ट किया था और ये अभी 4-5 महीने हो गए। यार भैया, 4-5 महीने के अंदर इतने पॉपुलर? स्वाद मेन आइटम रहता है सर, स्वाद रहता है, फिर से क्वालिटी रहता है। क्वालिटी मैंने दिखाया आपको, क्या मैंने हर चीज़ मैंने अपने घर पे भूनकर घर के खुद से मेहनत करके उसके बाद मैंने मसाला डालता हूँ, और स्वाद रहता है और मीठी व्यवहार अच्छा बोली रहती है। यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि 4-5 महीने में इतनी ज़्यादा पॉपुलर आप हो गए हो। हाँ, यहाँ के लोग का प्यार बहुत सारा मिलता है मुझे। और सोनू भैया, नॉन वेज में चिकन मटन मिला के जो है कितनी खपत हो जाती है डेली की आपकी? चिकन मटन मिला के 100 तक पहुंच जा रहा है भैया। अच्छा, 100 तक पहुंचा देता हूं, 1 क्विंटल पहुंचा देता हूं। 100 तक पार है? 100 तक नहीं पार है अभी। अच्छा, गर्मी का मौसम है, थोड़ा बहुत ठंडे मौसम ठंडापन आता है तो पार हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, नवंबर दिसंबर से मैंने चालू किया था, और ये आपका दिसंबर लास्ट आते आते 1.25-1.30 तक पहुंचा देता था। अरे बाप रे, 1.25 क्विंटल भी हो जाता है? 1.25 क्विंटल हो जाता है। ये आपको हो गया कस्तूरी मेथी। अच्छा, ये आ गया कस्तूरी मेथी जी। और कुछ और रहता क्या? ये हो गया गरम मसाला। अच्छा, ये गरम मसाला हो गया। अब आइए, खुशबू जो आनी चाहिए गरम मसाले में। नहीं, आइटम दो आइटम और इसमें पड़ेगा। अच्छा, मतलब सेम प्रोसेस इसका भी यही है ना? अच्छा, अब और कोई मसाला पड़ेगा क्या इसके बाद? नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, अभी रेडी हो जाएगा। कितनी देर में हो जाना चाहिए? 5 मिनट में। 5 मिनट तैयार है।
सो फाइनली गाइस चिकन जो पूरी तरीके से बनके रेडी है और चिकन की ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं आप लोग, कितनी जबरदस्त आ रही है, कलर कितना प्यारा है चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं। मैं घुमा के दिखाता हूँ एक बार, और चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे का टेस्ट कैसा होने वाला है। यह आगे सबसे पहले अपने मसालों में छुके हुए चावल, ये लो जी भाई साहब, ये आ गया अपना एक लेग पीस, लो जी एक आ गया अपना दायना। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी राजेश कुमार। अच्छा क्या कहना क्या चाह रहे थे यहाँ के टेस्ट के बारे में आप? बहुत अच्छा टेस्ट है सर, हम लोग तो बराबर आते हैं यहाँ पे जो है। अच्छा लगभग 5-6 माह पहले खुला था रोड के उस पार। अच्छा हम लोग वहाँ से ही जो है वहाँ पर भी खाए हैं और उसके बाद इधर शिफ्ट हो गया। वो जब शिफ्ट हुआ था तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा आपको यार कहीं चले गए वो? ना हमको, हम एक मिनट के लिए तो लगा कि जो है मतलब दुकान बंद हो गया, मगर वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ था। अच्छा कि दुकान जो है सामने शिफ्ट हो गया है, अपोजिट साइड। ठीक है, तो आप मतलब लोकल के रहने वाले या फिर? जी मैं सिवान के ही रहने वाला। सिवान के रहने वाले जी। अच्छा चलिए ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो फाइनली गाइस मोटिवेशनल सोनू भैया के पास का जो है ये चिकन करी बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर इसको बताते हैं आखिरकार इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, जिसका जादू सिवान के लोगों के ऊपर हो चुका है इस वक्त। सबसे पहली बाइट चावलों के साथ में, भाई साहब ऑसम इसका टेस्ट आ रहा है यार, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने एक ही बाइट ली है और मैं तो आपको ये कहूँगा ना, अगर आप एक बार खाने बैठ गए ना तो भाई साहब जो स्पाइसेस तीखापन ऐसा आ रहा है मुंह के अंदर, जो इन्होंने काली मिर्च का पाउडर डाला था ना, अंकल जी बता रहे थे कि जीरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं इन्होंने, पूरे अपनी रेसिपी के अंदर जो है पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ प्याज के अंदर ही चिकन को बनाया है। भाई साहब पूरा का पूरा सूखा चिकन बना हुआ है, मसालों का फ्लेवर क्या मुंह के अंदर टेस्ट क्रिएट कर रहा है यार, वो तो मैं ही जान सकता हूँ। आपने अगर गलती से चिकन यहाँ पे टेस्ट कर लिया ना तो भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि दूसरी प्लेट आप ऑटोमेटिक ऑर्डर करोगे कि दूसरी और मुझे खाना है चिकन। एक बाइट इसकी और लेते हैं और फिर इसके पीस को टेस्ट करते हैं। चिकन की है सॉफ्टनेस देखते हैं कैसी आ रही है। ये देखो हल्का सा खिंचाव आया है इसके अंदर, हल्का सा मैंने पहले भी आपको दिखाया कि खिंचाव जो है थोड़ा सा आया है, 100% गला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो मैंने इसको हाथों से खींचा और कितने आराम से छूटा है, इसका मतलब भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट गला हुआ है जितना चाहिए। तो चलिए अब इसी के साथ साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इनकी और भी रेसिपी मैं लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। और भी हमारे व्यूवर्स को एक बार फुल एड्रेस बता दीजिए कि आपकी शॉप तक अगर कोई पहुंचेगा आपका चिकन टेस्ट करने के लिए तो कैसे आएगा? हमारे यहाँ पहुँचने के लिए सिवान डिस्ट्रिक्ट में बबुनिया मोड़ है, ठीक है, वी टू मॉल है, काफ़ी फेमस मॉल है यहाँ का सिवान का, वी टू मॉल का ठीक बगल, जिला सिवान बिहार। और पिन कोड क्या रहेगा? पिन कोड है 84-12-26 जी, ठीक है।